स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। कृपया सभी शांत रहें, कृपया सभी शांत रहें। स्वामी जी जी बताइए जी, स्वामी जी मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं रोजमर्रा के। स्वामी जी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसा कि हम लोग मकड़ी का जाला साफ करते हैं, या किचन में कभी कॉकरोच छोटे छोटे आ जाते हैं, या फिर चींटी लग जाती है खाने में, तो हम लोग लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। तो स्वामी जी जाने अनजाने क्या नहीं करते, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं स्वामी जी खाने भोजन में। ठीक है, ठीक। तो जाने अनजाने में, अनजाने तो नहीं, जाने में ही हम लोग बहुत बड़ा पाप करते हैं स्वामी जी, तो इसका प्रायश्चित या इसका क्या उपाय है जो हमारा ये पाप ना लगे? हम लोग जो सामान्य रोज पाप करते हैं, जैसे हमसे चींटियां रोज मर जाती हैं, कंडों में ओपलों में बहुत सारी जीव जंतु मर जाते हैं, पहले तो चूल्हे में रोटी बनती थी, अब तो गैस में बनती है, उन सारे पापों से बचने के लिए ही लोग सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे, सवेरे भगवान की पूजा वंदना करते थे। तो नित्य की पूजा करने से, नित्य की वंदना करने से, सूर्य अर्घ चढ़ाने से दिन भर के जो सामान्य पाप होते हैं उन पापों से प्रायश्चित हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और स्वामी जी एक बात, जब हम कहते हैं नरसिम्हा चतुर्दशी, नरसिम्हा चतुर्दशी, वामन द्वादशी, सीता नवमी, राम नवमी, राधा अष्टमी, लेकिन हम जब कहते हैं जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी पहले जन्म आता है, जबकि हमारे कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी अनादि हैं, अजन्मे हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है, हम क्या समझें इसको? इसका ये भाव है कि कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए कहा जाता है ताकि उस अष्टमी को अंगित किया जाए कि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वो तिथि केवल बताने के लिए है कि इस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था, भगवान का जन्म नहीं होता। लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट होते हैं, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, प्रगट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते, पर सामान्य भाषा में समझने समझाने के लिए जन्माष्टमी कह दिया जाता है। स्वामी जी एक और सवाल, गीता में, भगवत गीता में अध्याय 10 के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है। हाँ। यहाँ अजन्मा अनादि बोलते हैं, दूसरी तरफ वो अध्याय 4 के 9वें श्लोक में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो स्वामी जी एक जगह बोलते मैं अजन्मा हूँ, एक जगह बोलते मेरे जन्म, तो मेरे ख्याल से जहाँ जन्म की बात करते हैं वहाँ ये द्वापर युग वाले कृष्ण हैं, और जहाँ वो अजन्मा अनादि बोलते हैं वहाँ गोलोक वाले कृष्ण हैं। क्या कृपया मार्गदर्शन करें, ये क्या सही है? देखो, भगवान जन्म लेते हुए भी वो जन्म नहीं प्रकट हैं। जैसे भगवान के बारे में लिखा है, बिनु पग चलहिं सुनहिं बिनु काना, कर बिनु कर्म करहिं विधि नाना, बिना हाथों के भगवान सब करते हैं, बिना आँखों के भगवान सब देखते हैं, बिना कानों के भगवान सब करते सुनते हैं। तो भगवान जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, वह तो ब्रह्म स्वरूप है। वह कौन है? ब्रह्म। वह निराकार है। वो निराकार को कह रहे हैं कि मैं जो निराकार व्याप्त हूँ, सब में व्याप्त हूँ, वह निराकार हूँ मैं, निर्गुण हूँ मैं, पर वही निराकार राम और कृष्ण बनकर, नरसिंह और वामन बनकर जब साकार बनते हैं, तो या तो आप निराकार में ध्यान लगाओ, पर निराकार के पहले साकार का आश्रय लेना पड़ेगा। रामचरितमानस में से भगवान ने पुष्ट किया कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पर प्रेम। अरे मैया को माइक दो, राधे राधे। अरे तुम्हारी पंचायत बाद में सुनेंगे, पहले मैया से पूछ लो। प्रणाम चरण स्पर्श। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, वह निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, और सगुण भी हैं और साकार भी हैं, तो भगवान के दोनों ही रूप हैं। हमने ये दूसरे दिन की कथा में समझाया था यहाँ पर जी, मैं कल आई थी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही, अब दो बहन बोलो। राधे राधे प्रभु गुरु जी, जी जी आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, हमारी सास आपसे बात करना चाहती है। कराओ।
राधे राधे। हाँ मैया। स्वामी जी राधे राधे। हेलो हेलो। स्वामी जी मेरा चरण के प्रणाम करेंगे हम आपको। हमको 3 साल से बीमार हैं और ठीक नहीं हो रहा है, सब डॉक्टर हार गया। अब हम क्या करें, आपका चरण में जाने चाहते हैं। अब भगवान का सहारा लो, बुढ़ापे का कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। सुनिए ना, हम सतगुरु के भक्त हैं, मगर फिर भी हम नहीं चरण में जा सकते हैं। हमको चरण में जाके भगवान की शरण में रहो मैया, और भगवान का चिंतन करो, खान पान सुधारो अपना, सब ठीक होगा। सब कुछ शरीर का रोग जिसे है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जो शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप ज्यादा बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, तो एक बात मानोगे, 1 महीने के लिए भोजन पानी बंद कर दो, सिर्फ फल खा करके रहो, 1 महीने कर लो। 31वें दिन आप सही ना हो जाए तो कह देना। जितना बीमारियों की जड़ है वो भोजन ही है। आज का जो भोजन है वो बीमार बनाता है, ज्यादा भोजन ज्यादा खाना बीमार करता है। इसलिए हम कहते हैं 1 महीने के लिए भोजन छोड़कर सिर्फ फल के बल पर जिंदा रहो, फलाहारी बन जाओ, फिर देखो सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। खाना नहीं खा सकते हैं, लहर समूचा बदन देता है। फल खाओ, फल सोसे बदन लहर देता है।